ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर. ओके, सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड. देर आर टू कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड, दैट इज इट्समैन टेस्ट एंड ताकायामा टेस्ट. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इट्समैन टेस्ट. ठीक है, इट्स एन माइक्रोक्रिस्टल एसे व्हेन रिएक्ट विद सर्टेन सॉल्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिडिक एसिड फॉर्म्स ब्राउन थ्रोम्बिक क्रिस्टल्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु डिस्कवर्ड द इट्समैन टेस्ट. द इट्समैन टेस्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ पॉलिश एनाटॉमिस्ट नेम लुडविग टिचमैन इन 1980. ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू द इट्समैन टेस्ट. सो व्हाट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इट्समैन टेस्ट. ओके, सो एज वी नो कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन. तो हमारा ब्लड सैंपल होता है वो रिएक्ट करता है टिचमैन रिएजेंट से जिसमें सर्टेन सॉल्ट्स और एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है. अगर हम बात करते हैं टिचमैन रिएजेंट की तो बेसिकली बना किससे, तो टिचमैन रिएजेंट एक सॉल्ट का मिक्सचर होता है पर्टिकुलरली पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड का जो कि सस्पेंडेड होते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड. और ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करने का रीजन से भी होता है ताकि जो आपका पर्टिकुलर रिएजेंट है वो स्टेबल रहे और दूसरी बात जो पोटेशियम सॉल्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें. ठीक, अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल के वो जो टिचमैन माइक्रोक्रिस्टल एसे है वो बेस्ड होता है. जब आपका जो आयरन प्रेजेंट होता है आपके हीमोग्लोबिन में जब वो रिएक्ट करता है इन पोटेशियम सॉल्ट्स के साथ तो सर्टेन कंपाउंड्स फॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल जो हमारा फेरिक आयन है इट इज Fe3 पॉजिटिव. जो Fe3+ आयन है जब वो रिएक्ट करता है क्लोराइड आयन के साथ तो फॉर्म करता है आपका फेरिक क्लोराइड. ठीक है, अलॉन्ग विथ HCl. अब ये जो फेरिक क्लोराइड और HCl होते हैं इसमें जो फेरिक क्लोराइड है सबसे पहले आपका जो हीमोग्लोबिन है उसका एक ब्रेकडाउन कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है हीमिन. उससे रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है ग्रीन कलर कंपाउंड जिसका नाम होता है हीमोक्रोमोजन. अब ये जो हीमोक्रोमोजन फॉर्म हुआ है वो पर्टिकुलरली रिएक्ट करेगा आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और एंटर आपको रिजल्ट में मिलेंगे सर्टेन ब्राउन थ्रोम्बॉइड क्रिस्टल्स जो कि आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे. अभी जो ब्राउन थ्रोम्बॉइड क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली होते क्या, ये होते हैं आपके पॉलीफेरिक क्लोराइड. इन द सेम वे जो आपका ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम, वो रिएक्ट करता है आपके फेरिक आयन के साथ और पर्टिकुलरली कंपाउंड बनाता है जिसका भी सेम रिजल्ट होता है जिसे आप कहते हैं ब्राउन रोम्बोइड क्रिस्टल्स. लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल. द मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर एसीटोन, टिचमैन रिएजेंट, ड्राई और फ्रेश ब्लड सैंपल्स. नाउ टू बिगिन विद टू द ब्लड सैंपल्स एंड few drops of Titchman reagent which consists of glacial acetic acid and potassium salts. Now, dry the slides over a Bunsen burner. There is this appearance of a blackish color over the slide. Now, watch the slide under the microscope. You can visualize the presence of rhomboid crystals which indicates the presence of ferric protoporphyrin crystals.